नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर, तो चलिए जानते हैं अब तक की खबरों को। आज शाम थम जाएगा 7वें चरण का चुनाव प्रचार। अब हर साल 60 स्कूलों को मिलेगा राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई हाई लेवल। अब इस फॉर्मूले से बिहार के किसानों की आमदनी होगी डबल। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव में नए उम्मीदवारों पर मतदाताओं को भरोसा। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है, अब तक 5 चरण का मतदान हो चुका है। 6ठे चरण की मतगणना आज हो रही है। 5 चरण के पंचायत चुनाव के परिणाम के आधार पर 77% सीटों पर नए मुखिया उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि जिला परिषद की 83% सीटों पर नए उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए हैं। अगर हम प्रदेश में पंचायतों के परिणाम को देखें तो अब तक 3,204 पंचायतों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 2,479 पंचायतों में नए मुखिया उम्मीदवार जीत दर्ज किए हैं और 725 पुराने मुखिया जीतने में कामयाब हुए हैं। वहीं जिला परिषद की 466 सीटों का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें से 389 नए उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए, तो वहीं 77 पुराने उम्मीदवार जीते हैं। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आयशा शर्मा के बारे में। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली आयशा शर्मा आज मुंबई महानगरी में अपनी पहचान अपने दम पर बना चुकी है। आयशा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर में 24 जनवरी साल 1989 में हुआ था। आयशा भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बेटी है। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फिल्म सत्यमेव जयते से की थी। इस फिल्म में आयशा के किरदार और उनके अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। आयशा की बहन नेहा शर्मा भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। अपनी बहन नेहा की तरह ही आयशा काफी खूबसूरत है। गलत उम्र बताकर पेंशन लेने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। सरकारी योजना का लाभ उठाने से भला कौन पीछे भागते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग ऐसे हैं जो योग्यता नहीं रखने के बावजूद भी सरकारी पैसा को उठाते हैं। ऐसे लोग भले ही बहादुरी से फर्जीवाड़े कर जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार अब इसे लेकर एक्शन मोड में आ गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में उम्र की घपलेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों से सूद सहित पेंशन की राशि तो वसूली करेगी ही, साथ ही उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराएगी। इस मामले को लेकर उक्त योजना के सभी लाभुकों के उम्र का सत्यापन कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। इस बाबत सरकार ने सभी जिलों के DM को निर्देश जारी किया है। आपको बताते चले कि पटना जिले में जाली प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन उठाने वालों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से प्रशासन सतर्क हो गया है। कोल लिमिटेड ने चालक पदों के लिए निकाली रिक्तियां। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने 94 चालक पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का 8वीं कक्षा पास होने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। इसके लिए आवेदन 10 नवंबर 2021 से ही शुरू है, जबकि आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 22 नवंबर 2021 है। आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में प्राप्तांकों के मुताबिक एवं ड्राइविंग स्किल में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.bccl.web.in पर जा सकते हैं। आज शाम थम जाएगा 7वें चरण का चुनाव प्रचार। बिहार में 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करने का आज आखिरी दिन है। इस चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंडों में चुनाव होने हैं, जिनके लिए खड़े हुए प्रत्याशियों के लिए अपनी जोड़ आजमाइश करने के लिए आज शाम 5 बजे तक का ही समय है, जिसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाने वाला है। बताते चले कि इस चरण में 63 प्रखंडों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया 15 नवंबर को होगी, जबकि मतगणना 17 और 18 नवंबर को हो जाएगा। इस चरण में पटना के फुलवारीशरीफ, पटना सदर दनियावा में मतदान होंगे। वहीं बांका में शंभूगंज, भागलपुर में रंगरा चौक, गोराडीह, जमुई में झाझा, मुंगेर में जमालपुर, खगड़िया में जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 और 5, बेगूसराय में बेगूसराय प्रखंड में मतदान होंगे। 7342 मरीजों को दी गई आर्थिक सहायता। बिहार में मरीजों की आर्थिक सहायता को लेकर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि पीड़ित गरीब मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस कोष से 14 असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस कोष से प्रदेश से बाहर इलाज कराने पर भी सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 20 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,180 मरीज लाभान्वित हुए हैं, जिसमें से इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक में 7342 मरीजों को इसका लाभ दिया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से 93,63,02,500 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हर साल
60 स्कूलों को मिलेगा राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ ही साथ अब स्वच्छता पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और इस रेस में सरकारी विद्यालयों को लाने के लिए इस सत्र से हर वर्ष बिहार दिवस के अवसर पर सूबे के 60 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत 30 प्रारंभिक जबकि 30 माध्यमिक विद्यालय चुने जाएंगे। बताते चले कि पुरस्कार के तौर पर प्रशस्ति पत्र के साथ ही 10,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही इन 60 विद्यालयों में से 3 सबसे अच्छे विद्यालयों को विशेष प्रशंसा पुरस्कार के लिए चुना जाएगा, जिसमें 50,000 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों में स्वच्छता को महत्व देने के लिए 14 नवंबर से इस पुरस्कार योजना में शामिल होने के लिए राज्य के 80,000 सरकारी स्कूल अपना ऑनलाइन नामांकन करवाएंगे। राजगीर में है सोन भंडार। बिहार पर्यटन में आज हम बात कर रहे हैं राजगीर में स्थित सोन भंडार के बारे में, जो कि एक गुफा के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के सम्राट मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। हालांकि कुछ लोग इस खजाने को जरासंध का भी बताया करते हैं। सोन भंडार गुफा में घुसने के साथ ही एक बड़ा सा कमरा नजर आता है, जिसके पिछले दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है। कहा जाता है कि इसे आज तक कोई नहीं खोल सका है। हालांकि इस गुफा में घूमने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। राज्य में पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम दौर में चल रहा है। अब गांव के बाद शहर के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 2022 का कार्य फिलहाल चल रहा है, जो कि 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद पुनरीक्षित मतदाता सूची को जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर नगर निकायों में चुनाव होंगे। आपको बताते चले कि राज्य में अगले साल नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए छूटे हुए और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम शुरू है। अब इस फॉर्मूले से बिहार के किसानों की आमदनी होगी डबल। राज्य के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, जिनमें कई नई योजनाओं को लागू करने के साथ ही किसानों को जागरूक करने का भी काम हो रहा है। इस बीच एक नया फॉर्मूला सरकार ने तैयार किया है, जिसे अपनाने के बाद किसानों की आय में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए बस किसानों को कुछ नहीं करना होगा, बस उन्हें मौसम के अनुकूल खेती करनी होगी। इसके लिए किसानों को साल भर का कृषि का प्लान तैयार करना होगा। इस तरह से मौसम अनुकूल खेती करने पर उन्हें 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती से 1,50,000 से ज्यादा की कमाई हो सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से मौसम अनुकूल बीज भी प्रदान किए जाएंगे। बुजुर्ग है ज्यादा सुरक्षित। अपने राज्य में रहने वाले बुजुर्ग वर्ग के लोग आपराधिक घटनाओं से ज्यादा सुरक्षित हैं। ये बातें हम एक ताजा रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बीते 3 सालों में बिहार में बुजुर्गों के प्रति अपराध में कमी आई है। तो वहीं बीते साल बुजुर्गों से धोखाधड़ी के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पिछले साल तक 452 मामले जांच के लिए लंबित थे। इनमें से 130 मामले वर्षों पुराने हैं। पिछले साल पुलिस ने 251 नए पुराने मामलों में चार्जशीट दाखिल किया। तो वही दूसरी तरफ SC ST के खिलाफ अपराध के मामलों में कुछ खास कमी नहीं आई है। 2018 में इनकी संख्या 7,061 थी, तो वही 2019 में 6,544 हुई, तो वही साल 2020 में 7,368 मामले दर्ज किए गए। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए हैं। शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। सुबह बिहार में त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद अब कुछ ही दिनों में शादी ब्याह का सीजन आने वाला है। इससे पहले राज्य में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू रखने और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर DGP SK सिंघल ने बीते दिन एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सभी जिलों के SP जुड़े और बारी बारी से अपने अपने जिलों में शराबबंदी को लेकर हुए अद्यतन कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। इस मीटिंग में DGP ने सभी जिलों के SP को सख्त आदेश देकर कहा कि शराबबंदी को और भी सख्ती के लागू करना है और हर हाल में तस्करी को रोकना है। साथ ही DGP ने साफ किया कि जिलों में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पहले से महंगी गाड़ियों से कर सकेंगे सफर। राज्य सरकार के मंत्रीगण अब पहले से महंगी गाड़ियों से सफर का लुत्फ उठा पाएंगे, जिसके तहत अब मंत्रियों को दी जाने वाली सरकारी गाड़ियां 30 लाख रुपए तक की हो सकती है। इससे पहले सरकारी वाहन को 25 लाख रुपए तक ही खरीदने की इजाजत थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। आपको बताते चले कि मंत्री के साथ ही साथ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और उनके समकक्ष जजों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे पहले बिहार सरकार ने पिछले साल के फरवरी महीने में ही श्रेणियों के लिए गाड़ी खरीदने की सीमा में बढ़ोतरी की थी, जिसके तहत मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके समकक्ष के लिए 25 लाख रुपए तय किए गए थे।
अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज कई जिलों में दिन का तापमान बढ़ेगा। धूप अच्छी तरह खिलने के कारण दोपहर के वक्त गर्मी का एहसास होगा, हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ एक जगह पर बादल छाए रह सकते हैं, मगर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान भी 16 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने वाला है। टीम लगाएगी ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर कोरोना वैक्सीन। बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब पटना जिले में डोर टू डोर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से जिला वैक्सीनेशन कार्यालय को निर्देश भी दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस महीने से डोर टू डोर वैक्सीन अभियान को शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान को लेकर वैक्सीन मोबाइल टीम गठित की जानी है। इस मोबाइल टीम में एक डेटा ऑपरेटर और एक ANM होंगी। वे ग्रामीण इलाके में मोटरसाइकिल से जाएंगे। यह टीम मतदाता सूची के आधार पर बनाई गई सूची पर काम करेगी और वैक्सीन लगाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों में कम हुई वैक्सीन को ध्यान में रखते हुए मोबाइल टीम का गठन करने जा रही है, जिससे कि वैक्सीनेशन में तेजी आ सके। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा यह लाभ। बिहार में संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाएगा, साथ ही उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 25,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी है, जिसमें से 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों मोड में इंश्योरेंस का फायदा मिल पाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों संविदा कर्मियों ने इंश्योरेंस की मांग की थी, जिसके बाद CA नीतीश ने संविदा कर्मी के परिवार में कर्मी समेत उसकी पत्नी और 2 बच्चों को शामिल किया गया है। RBI की 2 ग्राहक केंद्रित पहल की हुई शुरुआत। देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित 2 नए ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इसके तहत RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है। ये दोनों ही योजनाएं ग्राहकों पर केंद्रित है। आपको बताते चले कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है, जिससे कि निवेश का दायरा बढ़ेगा। इसके तहत निवेशक RBI के हवाले से सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं, जबकि एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाले सिस्टम में सुधार लाना है, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत को दूर करने के लिए RBI नियम बना सके। इस योजना के तहत ग्राहक अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर पर दायर कर सकते हैं। WHO ने स्वास्थ्य को लेकर उठाई बड़ी मांग। नोवल कोरोना वायरस के दौर ने एक चीज सभी लोगों को साबित कर दिया कि स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे में सभी देश अब लोगों की स्वास्थ्य को प्राथमिकता से लेते हुए कई काम कर रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों के स्वास्थ्य धन को सबसे बड़ा धन मानते हुए दुनिया भर के देशों से बड़ी अपील की है। WHO ने दुनिया भर के देशों से अपने अपने संविधान में स्वास्थ्य को मौलिक मानव अधिकार के रूप में शामिल करने की मांग की है। इस मांग को उठाते हुए महानिदेशक अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कुछ देशों के संविधान में स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है, इसे दुनिया के सभी देशों को मानने की जरूरत है। खुर्शीद की किताब में एंटी हिंदुत्व वाली बात से बिहार की सियासत गरमाई। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर खड़े हुए विवाद को लेकर बिहार में भी सियासत गरमा गई है। इस किताब में एक जगह उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है, जिसके बाद से ही बिहार BJP के कई नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीते दिन एक FB पोस्ट करके उन्हें निशाने में लिया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से होती तो सलमान खुर्शीद यह लिखने में कभी सक्षम नहीं हो पाते। भारत में रहकर हिंदुत्व के खिलाफ इतनी घटिया बातें कहने में वे इसलिए सक्षम हैं क्योंकि हिंदुत्व सदैव सहिष्णु रहा है, वरना किसी भी इस्लामिक बहुसंख्यक देश में कोई भी व्यक्ति वहां के बहुसंख्यकों के धर्म के खिलाफ लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। RJD की टीम करेगी जहरीले शराब कांड की जांच। बिहार में बड़ी संख्या में जहरीले शराब पीने से लोगों की जान जाने के बाद राजद पार्टी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्कि काम से भी राजद नीतीश सरकार को आड़े हाथ लेना चाहती है, जिसे लेकर राजद की एक टीम अब खुद इस कांड को लेकर जांच करेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजद पार्टी की तरफ से प्रभावित जिलों के लिए अलग अलग जांच टीमों का गठन किया गया है। इनमें मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर जिलों में वरिष्ठ नेताओं के अंदर यह टीम जांच करेगी और 1 सप्ताह के बाद प्रदेश कार्यालय को सारी रिपोर्ट सौंपेगी।
गोपालगंज में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बीच जहरीले शराब से जान जाने के मामलों में बड़ी संख्या में गोपालगंज जिले में लोगों की जान चली गई। इस बीच गोपालगंज में हुए महम्मदपुर जहरीली शराब कांड को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं सभी विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर हावी हो रही है, तो इस बीच लोजपा रामविलास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीते दिन गोपालगंज के महम्मदपुर पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के अनुसार शराब पीने वाले दोषी हैं, लेकिन जहरीली शराब कहां से आई पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से यह कांड हुआ है। साथ ही उन्होंने 25 लाख मुआवजा और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी की भी मांग की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। आज के दिन पंजाब के शासक महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। आज के दिन 1898 ईस्वी में काली पूजा के अवसर पर पूज्य माता श्री शारदा देवी ने निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन किया। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री समाज सेवक न्यायाधीश विधि विशारद तथा संविधान शास्त्रज्ञ मुकुंद रामाराव जयकर का जन्म आज के दिन 1873 में हुआ। कहानीकार गद्यगीत लेखक राय कृष्णदास का जन्म 1892 में हुआ। प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध गजानन माधव का जन्म आज ही के दिन साल 1917 में हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। पहला मुकाबला 25 नवंबर को कानपुर में खेला जाएगा। इस बार रोहित शर्मा के साथ ही मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है। साथ ही भारत के कप्तान विराट कोहली को पहले टेस्ट मुकाबले में आराम दिया गया है, तो वहीं भारतीय टीम के साथ दूसरे मैच में वे जुड़ेंगे। इस टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे को बनाया गया है, जबकि उपकप्तानी चेतेश्वर पुजारा करेंगे। तो वहीं टीम के बाकी सदस्य केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा, केएस भरत, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, रविंद्र चंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जयंत यादव, ईशान शर्मा और उमेश यादव रहेंगे। अब व्हाट्सएप यूजर्स तय कर सकेंगे उनके डीपी को देखने वालों को। फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप व्हाट्सएप में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं। बीते कुछ समय से व्हाट्सएप यूजर्स को एक ऐसा फीचर देने पर काम कर रहा था जिसमें यूजर्स चुनिंदा लोगों से अपनी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अबाउट को हाइड कर सकते हैं। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने इस फीचर को व्हाट्सएप एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। इस नए फीचर को पाने के लिए यूजर्स को एंड्रॉयड के लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.21.23.14 पर अपग्रेड करना होगा, जिसके बाद प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट को सेलेक्ट करके वे ऐसा कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। बीते दिन की बात की जाए तो राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 106.15 रुपए की दर से बिकी, तो वहीं डीजल के भाव प्रति लीटर 91.32 रुपए थे। वहीं बात अगर सोने की कीमत की करें तो यह 24 कैरेट के लिए 49,530 प्रति 10 ग्राम के भाव से बिका, तो वहीं 22 कैरेट के लिए 46,290 प्रति 10 ग्राम के भाव से बिका। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत इस दौरान 67,100 रुपए रही। तो वहीं बात अगर सेंसेक्स और निफ्टी की करें तो सेंसेक्स 295.70 अंकों की बढ़त के साथ 60,067.62 और निफ्टी 87.60 अंकों की तेजी के साथ 17,916.80 पर बंद हुआ। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है गौतम कुमार, कुमार राहुल, बबीता यादव, मनीष मेहरा, मनोज कुमार, माही आनंद, शंकर मुखिया, सुभाष कुमार सिंह, विजय घायल, अजय कुमार, रविंद्र पासवान, जगलाल कुमार, सोनू कुमार, जोगिंदर पासवान, ब्रह्म कुमारी, ईश्वर सिंह। आप में से कई यूजर्स का नाम हम समय के अभाव के कारण नहीं ले पाए हैं, मगर आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहे, हम अगले वीडियो में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास के सरकारी स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रहती है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।